आ गया। ए चाचू। अरे गोल्डी आजा आजा बेटा गोल्डी। निकली, निकली, निकली। आजा आजा। अरे गोल्डी वाह वाह क्या शहन शक्ति है तेरे में। शाबाश शाबाश। गोल्डी केला लेकर। भाभी भाभी जी इसे पकड़ के रखिए प्लीज। भाभी जी रुपल मुझे मार देगी। भाई साहब बर्थडे किसका? आपका। गिफ्ट किसको मिलनी चाहिए? आपको। तो आप मुझसे गिफ्ट क्यों मांग रहे हो? मतलब मैं ये नहीं कर सकती परिमल भाई साहब। मतलब रूपल को झूठ बोल के मैं अपने आत्मा पे बोझ नहीं रख सकती। अरे क्या बात कर रही है भाभी जी, मेरी लाइफ एंड डेथ का सवाल है। मेरा डाइवोर्स हो जाएगा, परिमल भगवान को प्यारा हो जाएगा। गोल्डी क्या डू यू नो मंकी लैंग्वेज? क्या बोल रहा है ये? ठीक है ठीक है नहीं बोलूंगी कुछ। थैंक यू प्लीज। तो ये केला है ना खाने का है, ओके? तो मुझे कह रही थी कि मेरे बहुत सारे घरों के काम कर रहे हैं तो जाना। मैं तो उससे निपटा के आई हूँ, मुझे अभी याद आया। अच्छा अच्छा बस 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 अबे चुप रहे। मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ, प्लीज रूपल को कुछ मत बोलना वरना वरना नौकरी गई। करनी है नौकरी, मैं बोलूंगी नहीं। सही है बहुत 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 समझ में नहीं आ रहा। फिर शुरू। हे भगवान इसका कुछ नहीं हो सकता। देख अभी तू ये केला खाएगा ना तो वो अंगूठी तेरे गले में से फिसल के पेट के अंदर घुस जाएगी। चल जल्दी अगर खा ले गोली। मुझे कुछ नहीं सुना है बाबा, खा ले भाई। भोपी भाई आपको केला खाना था तो इतने सारे केले हैं, ये वाला इसको खाने देते थे ना? ये क्या केले खाने से इतनी महंगी अंगूठी इसके पेट में चली जाएगी? पेट में चली गई तो फिर इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इतने बड़े पेट से ऑपरेशन करके अंगूठी निकालने में महीनों लग जाएंगे, मतलब डॉक्टर बुड्ढा होकर मर जाएगा। हाँ बहुत ट्रबल में आ जाएगा बेचारा गोल्डी। मेरे ख्याल से अंगूठी इसके गले से ही निकालते हैं। पर उसका सॉल्यूशन तो नहीं है मेरे पास। क्यों है रूपल? से कुछ खुशबू आ रही है नहीं लेडीज परफ्यूम की? नहीं नहीं इसकी महक होगी। देखो ना ना अभी तो केला है। नहीं बनाना परफ्यूम नहीं, अभी मैं गई थी ना तब ये खुशबू नहीं थी। अचानक से कोई नई खुशबू आ रही है नहीं? क्या नाक है तुम्हारा? मतलब क्या नाक है तुम्हारा? आ रही है परफ्यूम की स्मेल आ रही है। कहाँ से आ रही होगी? कहाँ से आ रही है? हाँ चिंकी। चिंकी चिंकी है ना? चिंक मैं क्यों? पहले तो नहीं आ रही थी चिंकी, सुनने में है ना चिंकी में से वो परफ्यूम की स्मेल नहीं आ रही है, ये तो कुछ अलग ही खुशबू है। मैंने तो पाका परफ्यूम लगाया ना। अभी समझ में आया रूपल। हाँ ये तुम्हारी खुशबू होगी और तुम्हारी खुशबू मतलब क्या खुशबू है। ये गोल्डी कब से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है ना? एक सेकंड रुको। नहीं नहीं अरे भाभी उनको नहीं जम रहा है, मैं बता सकती हूँ। अरे विनंती आंटी बाद में बाद में। शाबाश चिंकी शाबाश, बड़ी होकर तुम जरूर अपने खुद के मोबाइल फोन बनाओगी। चलो 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 केक काटेंगे। हाँ, केक हाँ। एक सेकेंड ये क्या लिख के बताना लिख के बताना चाह रहा है?
अच्छा एक सेकंड, मैं पेन ढूंढ रहा हूँ। पेन चाहिए, वो लिख के बता रहा हूँ। लिख के पता है। उधर 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 होगा शायद। हाँ, चेक करना वहाँ कैसे पेन हो सकता है। ओहो गोल्डी। अरे वहाँ किचन किचन में। वो बच्चों ढूंढ में। सुनना, किचन 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 में। किचन में पेन? हाँ वो मैं हिसाब लिखती हूँ। अच्छा अच्छा। अरे ये तो डेंजर वाला गम है, इसे गोल्डी की उंगली पे लगा दूं तो? सेल्फी क्लिक करती हूँ। हैशटैग हैप्पीनेस। गोल्डी। अरे नहीं वो गोल्डी। मिल गया मिल गया। पेन नहीं मिला लेकिन पेंसिल मिला है। दिखा दिखा। मेरा पेन। लिख लिख। लिखेगा? कितना डिफेक्टिव पीस है तू। गले में अंगूठी अटक जाती है या हाथ अटक जाता है, अभी क्या करने का? क्या हो गया फिर से आजा? अरे डोनाल्ड डक पागल हो गया है। बोलो आओ आओ। ये देखो। फिर से क्या हो गया? अरे ये डोनाल्ड डक की आवाज में बोलेगा तो कैसे समझ में आएगा? शांत शांत। हुआ क्या है? इसको क्या हो जाता है? बेचारा देखो ना, गम हाथ पे लगा लिया, अभी क्या बोलने का? भाई क्या कर दिया तूने, इसका आसन 24 घंटे तक रहेगा। 24 घंटे? अब? और ये जब तक सूखेगा नहीं तब तक निकलेगा नहीं। कोई बात नहीं, ऐसे पेन से लिख पाएगा। देखा देखा, आजा आजा बेटा, कितना भरोसा करता है ये मुझ पर। मैं ये अंगूठी भी निकलवाऊंगा और ये भी। हाँ फिकर मत कर। एक काम करती हूँ, बाहर की बात सुनती हूँ, देखो क्या हो रहा है। कुछ गिर के टूट गया नहीं? कुछ छोटी मोटी चीज टूटी होगी, छोड़ो ना अभी। क्या? अरे क्या छोड़ो, मैं जाकर चेक करके आती हूँ। ओएमजी रूपल तो अंदर ही आ रही है। एक काम करती हूँ, छुप जाती हूँ, जैसी आएगी उसे सरप्राइज दे दूंगी, बड़ा मजा आएगा। नीतू भाभी को रोको रोको, रूपल को रोको। रूपल रुक। हाँ रूपल, तुम्हें वो हट जाओ मेरे नाजरों के सामने से। रूपल देख, तू इतनी पढ़ी लिखी है, ये हमारा गोल्डी इतनी तकलीफ में है, इसकी प्रॉब्लम का कोई सलूशन ढूंढना। ठीक है भाभी, मैं ढूंढूंगी। इट्स ओके, पहले मैं अंदर जाके चेक करके आती हूँ कुछ गिर गया। एक मिनट, गिरना पड़ना तो जीवन है। 24 घंटा बोला? नहीं मतलब ऐसा सेवानंद बाबा कहते। तू एक काम कर, इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर, मैं तब तक अंदर जाके चेक करती हूँ। हाँ आप चेक कर लो, मैं सोचती हूँ इसका क्या करना पड़ेगा। हे भगवान। गोल्डी अभी तू शांति से बैठ, मुझे सोचने दे तेरा क्या कर सकते हैं। भाभी कह रही है ना, आराम से बैठ। ठीक है फिंगर ऑन लिप। पहचान को? अरे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू थैंक यू। मुझे क्या लगा कि वो रूपल आ गई है, इसलिए मैंने आपकी आंखें ऐसे कर दी। लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं जाऊं और जल्दी से जाकर उसे सरप्राइज दे दूं। ये रूपल को अगर बाहर आकर सरप्राइज देगी तो रूपल परिमल को डिवोर्स दे देगी। नहीं, मेरे पास बेटर आइडिया है। क्या? एक काम करते हैं, मैं जब केक काट रही होंगी ना तब तो माना सरप्राइज बड़ा वाला लगेगा। बोलो कैसा लगा आइडिया? नहीं। क्यों? वो क्या है ना भाभी कि मैं हैशटैग अलोन अलोन फील कर रही हूँ बहुत देर से। लेकिन वो क्या है ना कि आज आप बहुत क्यूट लग रहे हो, तो मैं सोच रही हूँ कि जो आप कहोगे मैं वो कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच। मुसीबत अक्सर अकेले आती है,
लेकिन सबको लेकर चली जाती है। अब मैं जाऊं, मैं बताती हूं, बाय। यस। क्या हुआ बाबी? कुछ नहीं, वो एक फ्लावर पॉट टेबल से गिर गया। अरे ऐसे कैसे गिर गया? गिर गया, अभी फ्लावर वास गिर गया तो गिर गया, फ्लावर वास ही गिरा है ना, कोई इंसान थोड़ी छह माले से नीचे गिर गया के सीआईडी खेल रही है। अरे अरे अभी आप ये सब कुछ छोड़िए ना, गोल्डी चाचू के गले में जो रिंग फंसी है उसको कैसे निकालना है वो सोचिए। सो इमैच्योर चिंकी। नौकरी चाहे तो चाहे। बाय 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 भाभी। भाभी क्या है ना कि भाभी हाँ मुझे आपसे बात करनी है। बोल। और टाइम फोन पे चिपकी रहती है ये। विनंती तूने रूपल को बताकर अगर हमारा रिश्ता बिगाड़ा तो फिर मैं तेरे पति को शराब जुआ खेलना सिखा कर उसे बिगाड़ूंगा। क्या कर रही हो? नको नको। क्या हो गया? क्या नको नको, क्या लिख के क्या भेजते, क्या एसएमएस, क्या? अरे इसको क्या हो जाता है बीच बीच में? देखिए आज तक जिंदगी में मेरा पति कुछ बन नहीं पाया है और अगर जुगारी और पेवड़ा बन जाएगा तो मेरे संसार की वाट लग जाएगी, बर्बाद हो जाऊंगी मैं। जानता हूँ विनंती भाई, इसीलिए कहते हैं जिनके घर खुद शीशे के होते हैं ना वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते हैं। भूपी भैया मैं जिसके घर में जाती हूँ ना वहाँ पे पत्थर नहीं मारती हूँ, सिर्फ झाड़ू पोछा मारती हूँ। शाबाश। अरे विनंती तू अभी मुझे कुछ बोल रही थी ना, क्या हुआ बोल। भाभी मैं सिर्फ ये कह रही थी कि अब ये सब सच बोल देगी, ये गोल्डी अपनी जुबान पे टिक सकता है लेकिन विनंती के पेट में कोई बात नहीं टिक सकती। के पहले पहले ये गोल्डी भाई को छोड़ दो ना, ये केस काटो ना। मुझे दूसरे घर में जाके काम करना है। ऐसे कैसे छोड़ दे, गोल्डी का पहले गला कटेगा। मेरा मतलब है कि गोल्डी का गला पहले ठीक होगा उसके बाद केक कटेगा। आइए। हाँ, हाँ। टाइगर। मेरा मतलब है ये डॉक्टर टाइगर को क्यों लाए हो, किसने बुलाया? मैंने बुलाया। क्यों? अरे जब मैं केला लेने गई थी ना तो मैंने छोटे लाल को फोन करके बोला कि जल्दी से तुरंत एक डॉक्टर को लेकर आ गोल्डी के लिए। अपने एरिया में इन्हीं का क्लिनिक सबसे पास में पड़ता है इसलिए मैं दौड़ कर गया और भाग कर लिया आया डॉक्टर साहब को। गुड गुड गुड, पहली बार इस बेढंगे इंसान ने ढंग का काम किया। अरे भाई इन लोगों में से पेशेंट कौन है? ये है, जाइए जाइए देखिए। हाँ, ले लीजिए। अरे डॉक्टर साहब इससे ज्यादा इसका मुंह नहीं खुलेगा, इससे ज्यादा इसका मुंह सिर्फ तभी खुलेगा जब इसके सामने कोई खाने की चीज होगी। रहने दो डॉक्टर साहब, अभी क्या कर सकते हैं, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। एक और इलाज है मेरे पास। अरे टाइगर, अरे भाई इसके दांत नहीं उखाड़ने, अंगूठी निकालनी, क्या कर रहे हैं? ऐसा है? हाँ एक
ऊपर काम करते हैं, इसको उल्टा लटका देते हैं। अरे क्या उल्टा लटकाना पड़ेगा, ये गोल्डी है, इंसान है, कोई चमगादड़ नहीं है डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब अगर इसे उल्टा लटकाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे उसको लग जाएगी बेचारे को, ये गिरेगा तो कोई एक्सपेंसिव की चीज टूट जाएगी। क्या पप्पी भाई आप भी, अरे उसको लग जाएगी, उसकी हड्डी टूट जाएगी। हड्डी टूटे तो टूटे, कम से कम अंगूठी तो सही सलामत बाहर आ जाएगी। तो फिर एक काम करते हैं, इनके मुंह में पानी का पाइप डालते हैं और मोटर ऑन कर देते हैं। वाह, प्रेशर से पानी अंदर जाएगा और रिवर्स प्रेशर से अंगूठी बाहर आ जाएगी। अरे तुम डॉक्टर हो या प्लम्बर, अब थोड़ी देर में कहोगे इसे क्रेन से ऊपर उठा लेते हैं, इसके मुंह में वैक्यूम क्लीनर डाल के हम उठी बाहर खींच लेते हैं, बहुत अहमक हो भाई, तुम इंसान के ही डॉक्टर हो ना? नहीं वैसे तो मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ। छोटे लाल हट, तुम एक बेढंगे इंसान हो और जिंदगी भर बेढंगे ही रहोगे। मैं अपने सारे शब्द वापस लेता हूँ। ये जानवरों का डॉक्टर है छोटे लाल। अरे आपने तो कहा था डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ, तो मैं इनको ले आया, जल्दीबाजी में पूछने भूल गया कि ये किसके डॉक्टर है। पकड़ के ले आए मतलब क्या, ये सड़क का कोई आवारा कुत्ता है जिसे पकड़ के ले आए तुम? छोटे लाल थोड़ा दिमाग यूज करना चाहिए, वहाँ है ना पार्टी पे लिखा हुआ रहता है, वही पढ़ लेते कम से कम पता चल जाता। मैडम इतना पढ़ा लिखा होता ना तो छठे वाले में आपके पास में रहता। औकात में रहो, फर्स्ट फ्लोर तक ही, सिक्स फ्लोर तक आने की कोशिश मत करना। अब जो हो गया सो हो गया, अब आया हूँ तो इलाज करके ही जाऊंगा। सक्सेस हुआ तो फीस देना, वरना मत देना। हाँ वरना जान तो ले ही लोगे ना। डॉक्टर साहब देखिए हमें कोई इलाज नहीं करवाना, ये इंसान है जानवर नहीं है, प्लीज। हाँ भाई छोटे लाल इनको यहाँ से दफा करो, लेके जाओ इनका। जाई 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 जाई। अरे आप मेरी नौकरी चली जाएगी, चल लेके जाओ इसको, अब मोहल्ले से दूर जाके छोड़ गया ना। टंडन साहब इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। गोल्डी गोल्डी कुछ नहीं गोल्डी, सब 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 ठीक हो जाएगा गोल्डी। भाभी हो जाएगा। तू है क्या है? मुझे बात करनी है आपसे। हाँ तो बोल। ओह अब मैं इस कमरे में ना और नहीं रह सकती, एक काम करती हूँ, मैं ही जाकर बाहर सरप्राइज दे देती हूँ। गोल्डी सब्र कर भाई, ले जा रहे हैं तुझे हॉस्पिटल आराम नाल। गोल्डी तुम हॉस्पिटल जा रहे हो, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा और बर्दाश्त कर लो, अंगूठी जहाँ अटकी हुई उसे अटके रहने दो, ऐसा ना हुआ कि तुम्हें भूख लगी और तुमने उसको हजम कर लिया। नहीं, नहीं। जल्दी से ये गोल्डी को हॉस्पिटल लेकर जाए और मैं स्वीटी को छोड़कर आऊं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.